हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, अरबी खाने के फायदे और किसे नहीं खानी चाहिए, नुकसान भी जाने। आइए जानते हैं अरबी के बारे में, अरबी की सब्जी, उसे खाने के फायदे और किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए, आइए हम जानते हैं। अरबी के जड़ को फलाहार में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी नहीं है। 100 ग्राम अरबी के अंदर 40 से 45 ग्राम कैलोरीज होती है, जो आलू से भी कई ज़्यादा है। अरबी में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन ए सी ए दोनों होते हैं, कैल्शियम और आयरन भी होता है। अरबी के जड़ों में प्राकृतिक फाइबर मौजूद होता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इसके खाने के फायदे। पेशाब में होने वाले जलन को दूर करने के लिए अरबी के पत्तों के 10 ग्राम रस को 3 से 4 दिन तक सेवन करके आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं। अरबी के पत्तों को उबाल कर, उसे छान कर तथा उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से वायु के कारण उत्पन्न गुम्ल समस्या दूर हो जाती है। जिन लोगों को हृदय रोग की समस्या है, उन लोगों को अरबी की सब्जी 25 ग्राम मात्रा में रोजाना खानी चाहिए, उससे हृदय रोग में लाभ मिलता है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन लोगों के लिए अरबी एक गुणकारी सब्जी है और इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। अरबी के पत्तों का रस निकाल कर किसी हल्के आधार से खून निकलने से वहाँ लगाने से आराम मिलता है और खून निकलना बंद हो जाता है। अरबी के पत्ते के डंठल जलाकर उनके राख को तेल में मिलाकर लगाने से फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। अरबी त्वचा का सूखापन और झुर्रियां भी दूर करती है। सूखापन चाहे आंत में हो या सांस नली में, अरबी खाने से आपको फायदा मिलता है। बहुत से लोग खांसी से परेशान होते हैं, अरबी में ऐसे गुण होते हैं जो लंबे समय से चले आ रही खांसी को दूर कर सकती हैं। आप अरबी को धीमी कंडे की आग में भूनकर सेवन कर सकते हैं। जिन माताओं या बहनों को अपने शिशु को कम दूध होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें अरबी की सब्जी रोजाना खाना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में स्त्रियों के स्तन में दूध की वृद्धि होने लगती है। अरबी आपके ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रित करता है, क्योंकि अरबी में मिनरल्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम है, जो आपके ब्लड प्रेशर संचार को ठीक रखते हैं तथा ये आपके तनाव को भी दूर रखता है और रक्त संचार को नियमित करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। यदि आपको पित्त की समस्या है, तो अरबी की ताजा कोमल पत्तों का रस निकालकर 10 ग्राम मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पीस कर मिलाकर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपकी पित्त की समस्या दूर हो जाती है। अरबी में एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता की वजह से ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही डायबिटीज के रोगियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ये लो ग्लाइकेमिक इंजेक्ट्स की वजह से अरबी मधुमेह के शरीर को मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसमें जो फाइबर मौजूद होता है, उससे शरीर में फाइबर और इंसुलिन की मात्रा उचित स्तर पर बनी रहती है। क्योंकि अरबी के जड़ों में विटामिन ए और ई पाई जाती है, इसलिए त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में अरबी आपकी मदद करता है। और इसमें मौजूद सभी विटामिन शरीर की त्वचा को लंबे समय तक सेहतमंद और चमकदार बनाए रखता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से ये त्वचा के लिए बेहद उपयोगी होता है। अरबी भले देखने में उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन इसके गुण बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन्हें अरबी नहीं खानी चाहिए। कच्चे रूप में अरबी को कभी नहीं खाना चाहिए। आपके गले में जलन हो सकती है तथा इसके पौधा जहरीला भी हो सकता है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उन्हें अरबी की सब्जी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अरबी के पत्ते शरीर में कफ को बढ़ाते हैं। प्रसव के बाद महिलाओं को अरबी का सेवन करने से वात विकार की समस्या हो सकती है तथा गैस से पीड़ित रोगियों को भी अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को घुटने में दर्द होने की शिकायत होती है और खांसी हो, उन्हें भी अरबी नहीं खानी चाहिए। जिन लोगों को वात रोगों की समस्या हो, ऐसे लोगों के लिए अरबी बिल्कुल ही सही नहीं होता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।